2011 में पहली बार मतलब पांचवी चरण के लिए करवाया था बीटेट, फिर आपने छठी चरण लाया तो उसके लिए 2017 में करवाया, और सातवीं चरण आप लाने जा रहे हैं वो भी बिना पात्रता परीक्षा के, और आप कह रहे हैं कि सीटेट को हम आधार बनाते हैं, तो आप सब चीज़ छोड़ दीजिए, बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है उसको हटाइए। जब आपका सीटेट से ही काम चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही काम चल जाएगा, तो बिहार के सारे एग्ज़ाम को हटाइए। सरकार बोल रही है कि हम इसलिए बीटेट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हर वर्ष सीटेट होती है। सरकार बताया कि 2022 में सीटेट कब हुआ, 2019 से लेकर 2022 के बीच में एक ही सीटेट हुआ है अभी तक। शिक्षा मंत्री महोदय से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को सातवें फेज से पहले बीटेट होनी चाहिए, और नहीं तो हम लोग यहीं पे आकर हम लोग आत्मदाह करेंगे। 10 दिनों से लगातार तमाम जो अभ्यर्थी हैं बीटेट के वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार यह मांग कर रहे हैं कि सातवें चरण का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले पात्रता परीक्षा लिया जाए। तमाम डीएलएड बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार, मैं मधेपुरा जिला से हूँ। मधेपुरा से आए हैं, क्या मांग है? मांग यही है कि आप लोग भी जानते ही हैं पहले से, आज 10वां दिन है तो कोई मांग तो नई नहीं है, सातवां चरण से पहले बीटेट हो, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हो। लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो यह क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके से जो अभ्यर्थी पहले पास कर गए उनकी बहाली होगी उसके बाद। आप शिक्षा मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 2011 में पहली बार मतलब पांचवी चरण के लिए करवाया था बीटेट, फिर आपने छठी चरण लाया तो उसके लिए 2017 में करवाया, और सातवीं चरण आप लाने जा रहे हैं वो भी बिना पात्रता परीक्षा के, और आप कह रहे हैं कि सीटेट को हम आधार बनाते हैं, तो आप सब चीज़ छोड़ दीजिए, बिहार का जो भी एग्ज़ाम होता है उसको हटाइए। जब आपका सीटेट से ही काम चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही काम चल जाएगा, तो बिहार के सारे एग्ज़ाम को हटाइए, बिहार एसएससी हटाइए, बिहार का जो भी पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसको हटाइए, सेंट्रल में भी सीपीओ होता है जिससे सेंट्रल पुलिस बनता है, उन्हीं से लीजिए आप, बीपीएससी हटा दीजिए, यूपीएससी से लीजिए, आपका सारा काम जब उसी से चल जाएगा। तो अगर हम लोगों का मांग गलत है तो हमें उस एंगल से बताएं कि हम लोगों का मांग किस एंगल से गलत। शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया है साहब कि पहले बहाली होगी उसके बाद होगा, तो फिर भी आप लोग एक बात हमें बताइए, आप 11 में पात्रता परीक्षा लेते हैं, 14 में बहाली करवाते हैं, फिर जो छूटे बचे रह जाते हैं उनको फिर से मौका आप 19 के नियोजन में देते हैं, फिर 17 में बीटेट करवा करके, मतलब 11 से जो बच्चे छूटे बड़े हैं उसको 19 तक आकर के मौका मिलते मिलते वो 22 तक नियोजित होते हैं, लेकिन 17 के बाद जो बच्चे ट्रेंड हुए हैं ये 5 साल के बच्चे कहाँ जाएंगे, इसको एक बार भी मौका नहीं। ये क्या बिहार से बाहर के बच्चे हैं क्या? ये भी तो बिहार के ही बच्चे हैं, 5 साल से आप ट्रेंड हुए हैं। चंदन कुमार जहानाबाद से हैं। देखिए, सातवां चरण के पहले बीटेट होना एकदम बहुत जरूरी है। सरकार बोल रही है कि हम इसलिए बीटेट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हर वर्ष सीटेट होती है। सरकार बताया कि 2022 में सीटेट कब हुआ, 2019 से लेकर 2022 के बीच में एक ही सीटेट हुआ है अभी तक। तो आप बीटेट पर आधारित रहिएगा, सॉरी सीटेट पर आधारित रहिएगा, तो बीटेट में जो बच्चे 5 साल से बचे हुए हैं वो तो बिहार के छात्र हैं। बिहार के छात्र केंद्र पर क्यों भरोसा करें? हम बिहार पर भरोसा करें? हम बिहार, आप नीतीश कुमार, हम आपको जिताए हैं वोट देकर, आप हमको आपके राज्य में रहते हुए हम केंद्र पर भरोसा करें, यह तो साफ न्याय है। अच्छा, ये बताइएगा, इतना पढ़ने के बाद बीएड डीएलएड करने के बाद ऐसे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है पात्रता परीक्षा के लिए, क्या कहिएगा, कितना परेशानी होता है? परेशानी तो बहुत हो रही है सर, क्या करें, मगर मजबूरी है, सरकार हम लोग को रोड पर ला दिया है, हम लोग बीएलएड और डीएलएड करके और इतना मतलब मजबूर है कि क्या करें, इतना चल धूप में हम लोग मजबूर होकर यहाँ पर आए हुए हैं, और शिक्षा मंत्री महोदय से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को सातवें फेज से पहले बीटेट होनी चाहिए, और नहीं तो हम लोग यहीं पे आकर हम लोग आत्मदाह करेंगे। और क्या आत्मदाह करने से हल निकल जाएगा, क्या बहाली हो जाएगी? तो क्या करें सर, बेरोजगारी है, मजबूरी है, इतना पढ़ लिख के हम लोग क्या करेंगे, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, अगर हम लोग की बहाली अगर निकल जाती है, अगर 7 फेज से पहले बीटेट अगर नहीं होगी तो हम लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा, 10 साल समझिए कि हम लोग का, समझिए बीटेट करके क्या करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव मंडल हुआ और हम पूर्णिया से आते हैं, 300 किलोमीटर पटना से 300 किलोमीटर दूर है। कैसे आए हैं? ट्रेन से आए हैं सर, 10 दिन से बैठ रहे हैं जी। रोज आते जाते हैं क्या? रोज आते जाते हैं, होटल लेकर रहते हैं, फिर जाते हैं, बीच में यदि ऐसी कोई काम पड़ती है। और एक बात बोलना चाहेंगे सरकार को, एनसीटी गाइडलाइन आप पे क्या कहती है बताइए, कि सरकार केंद्र में यदि लेती है कोई एग्जाम तो राज्य सरकार भी अपने
तरफ से ये एग्जाम लेगी, लेकिन यहाँ की सरकार क्या कर रही है, संवैधानिक अधिकारों का आप पूरी तरह से हनन कर रहे हैं। तो ऐसी इच्छाएं ना पालिए, आपके द्वारा दिया गया हर चीज केंद्र आपको देती है दोनों तरह से, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों चीजों का भरपाई करेगा आर्थिक रूप से। तो ऐसी पात्रता परीक्षा आप बिहार राज्य में क्यों नहीं लेते हैं? हर एक राज्य जब कराती है ये पात्रता परीक्षा, तो आप अपने यहाँ क्यों नहीं करा सकते हैं? ऐसी क्या दिक्कतें हैं? 14 करोड़ के इस बिहार राज्य में क्या इतनी क्षमता नहीं है? नीतीश कुमार जी को मान के चलिए कोई चीज नहीं पता हो पाती कि शिक्षा विभाग में क्या होता है, क्योंकि उसके आला अधिकारी बहुत सारे कार्य करते हैं। आला अधिकारी कार्य करते हैं तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकार के वरिष्ठ लोगों को, यानी नीतीश जी और उनके संबंधित लोगों को ये जानकारी दें कि कहाँ दिक्कतें हो रही है। 2 लाख शिक्षकों की रिक्ति है, उसकी भर्ती कौन करेंगे? हमारा जो स्थान है वो कहाँ होना चाहिए? स्कूलों में बिहार सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि 1 साल के अंदर 1,80,000 शिक्षक की नियोजन होगी। 1 साल के अंदर नियोजित किए, 2017 से लेकर 22 तक बिहार में शिक्षक जो बीएड कॉलेजेस हैं उसमें संख्या कितनी है? हर साल जो है ट्रेंड कितने लोग होते हैं? 32,000 मान के चलिए सर, 32,000, तो सोच लीजिए कि 3 राउंड में कितने हो गए। ये 1 लाख से ऊपर पुर जाते हैं। जब 1 लाख से ऊपर पुर जाते हैं तब ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? सरकार तो ऐसा है कि हम लोगों को व्यावसायिक कोर्स दिलाकर बेरोजगार की स्थिति में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि बिहार के युवा व्यावसायिक कोर्स करके बेरोजगार की स्थिति में जाते हैं, तो जो युवा बेरोजगार व्यावसायिक शिक्षा नहीं लेते, वो ऐसे ही शिक्षा लेते हैं, तब तो वो तो कहाँ जाएंगे, आप ऐसी सोच सकते हैं। और एक बात, बिहार के युवा आखिर बाहर राज्यों में जाने के लिए इतने तत्पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? इसका एक कारण ये भी है, सरकार सिर्फ ऐसी पात्रता परीक्षा नहीं लेती है जिसके कारण से ये दिक्कतें पैदा होती है। क्योंकि आज बिहार के राज्यों में देख लीजिए, पूरे राज्यों में, भारतवर्ष के राज्यों में बिहार की स्थिति सबसे नीचे पायदान में। कितना परसेंट साक्षरता दर है हमारा? हमारा साक्षरता दर है 61.125%। पूरे राज्यों में नीचे हैं हम। क्यों नीचे हैं इतने, जबकि हम लोग ट्रेंड हैं, शिक्षक हैं, ट्रेंड हैं, प्रशिक्षित हैं। आप पात्रता परीक्षा लीजिए और उसके आधार पर आपके संस्थाओं में जो प्रक्रिया है इस भर्ती को निकालने का, उसके आधार पे फिर आप भर्ती कीजिए, तब देखिए क्या होगा। तो आपने सुना, तमाम बीटेट के अभ्यर्थी ये हैं, लगातार 7वें चरण से पहले यह मांग कर रहे हैं कि बीटेट का जिस तरीके से पात्रता परीक्षा होता है वो हो और जल्द से जल्द पात्रता परीक्षा करवाया जाए। सरकार जो है वो लेट ना करे, क्योंकि काफी परेशान है बीएड डीएड किए अभ्यर्थी हैं और बिहार से आते हैं, कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि 7वें चरण से पहले कोई पात्रता परीक्षा नहीं होगा। और तमाम खबरों के लिए बने रहें एनबीसी 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।